आज हम संचिता पाठ्यपुस्तक से छठी कक्षा का तीसरा पाठ पढ़ेंगे। पाठ का नाम है प्रदूषण महाविनाशक। प्रस्तुत निबंध में वर्तमान समय की सबसे बड़ी समस्या प्रदूषण के प्रभाव और उसके दुष्प्रभावों को प्रस्तुत किया गया है। हमें प्रदूषण को रोकने का प्रयास आज से ही करना होगा, तभी भविष्य प्रदूषण रहित रह सकता है। लेखिका ने इस प्रस्तुत पाठ में और किस किस प्रदूषणों के बारे में बताया, इसका विवरण हम आगे देखेंगे। आज जहां देखो वहां कूड़े का ढेर नजर आ रहा है। मानव केवल उपभोगों पर ही अपना ध्यान केंद्रित कर रहा है, लेकिन आसपास के वातावरण के प्रति उसकी उन्मुक्तता ने प्रदूषण को आमंत्रित कर दिया है। मानव की सर्वोत्तम खोजों में से एक है विज्ञान, जिसने मानव के विकास में विशेष भागीदारी निभाई है। विज्ञान के चमत्कारों ने बटन दबाते ही सुख सुविधाओं की दुनिया मानव के लिए सजा दी है, लेकिन इस अनुपम भेंट का ही दुष्परिणाम मनो प्रदूषण भी है, जिसने पृथ्वी को संकट में डाल दिया है। आज वातावरण में प्रदूषण की मात्रा बढ़ती जा रही है। वायु, जल, भूमि की अशुद्धता के प्रकृति के संतुलन को डगमगा दिया है। प्रदूषण रूपी राक्षस पृथ्वी को अपने आगोश में लेने के लिए आतुर हो रहा है। इस अंश में लेखिका ने यह बताने की कोशिश की है, मनुष्य स्वार्थी बनता जा रहा है और वह अपने ही उपभोगों के लिए वह अपने वातावरण को दूषित करता जा रहा है। और मनुष्य इतना स्वार्थी बनता जा रहा है कि उसे यह समझ में नहीं आ रहा है, वो अपने हाथों से ही पृथ्वी को, यानी हम जिस धरती पर रह रहे उस धरती माँ को संकट में डाल रहा है। और इस विज्ञान के चमत्कारों को देखकर वह भूलता जा रहा है कि वह आने वाले समय में कितना संकट बढ़ाता जा रहा है, आने वाली पीढ़ी को कितना संकट में डाल रहा है, यह उसे समझ में नहीं आ रहा है। अगर हम इसी तरह आगे प्रदूषण से मुक्त ना रहेंगे तो यह प्रदूषण रूपी राक्षस इस पृथ्वी को अपने ओर आकर्षित करते हुए इस पृथ्वी को गिलंकृत यानी अपने अंदर समाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर लेखिका यह कहना चाहती है कि आदिम पुरुष प्रकृति का सहचर था। आदिम पुरुष यानी आदिमानव, वह आदिमानव कैसा था? हमारे पास विकास नहीं था, पर हम प्रकृति से मित्रता रखते थे, प्रकृति के साथ खेलते थे, प्रकृति के साथ हम स्नेह भरा संबंध रखते थे। वे प्रकृति के प्रति आसक्त था। उसने प्रकृति को सहभागी बनाते हुए अपनी प्रगति की राह खोजी थी, लेकिन कालांतर में मानव की आशाओं व आकांक्षाओं में अभिवृद्धि के परिणाम स्वरूप वह प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने लगा। अपनी विजय और विकास की यात्रा में वह प्रकृति के उपकारों को भूलकर उसका शोषण और दोहन करने लगा, जिसके परिणाम स्वरूप प्रकृति का संतुलन बिगड़ने लगा और पर्यावरण संकट उत्पन्न हो गया है। जनसंख्या की वृद्धि, वनों की कटाई, उद्योग धंधों का विकास, अनावश्यक वस्तुओं का अंबार, कूड़े कचरे का ढेर, अस्वस्थता का कारी चीजों का उपभोग आज पर्यावरण प्रदूषण के मुख्य कारण बन रहे हैं। इस में लेखिका यह कह रही है कि जिस तरह आदि मानव अपने विकास में प्रकृति को भी सम्मिलित करता था और उसे सुरक्षित रखते हुए अपने कलाओं को और अपनी खोजों को प्रगति की ओर लेता जा रहा था, पर कालांतर के बाद यानी कुछ समय के बाद मनुष्य इतना स्वार्थी बनता जा गया कि वह अपनी आकांक्षाओं यानी अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए वह अभिवृत्ति यानी अपनी जो प्रगति है वो बढ़ाता गया। वो यह नहीं देख रहा था कि प्रकृति में जो संतुलन है वह संतुलन
बिगड़ता जा रहा है, वह संतुलन इतना बिगड़ रहा है कि जिसके कारण पृथ्वी में गर्मी बढ़ रही है और उसमें जो हमारा वातावरण है, जब बारिश होनी है उस समय बारिश ना होते हुए धूप बढ़ती है, गर्मी बढ़ रही है, सर्दी के मौसम में सर्दी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, ये सारा जो चक्र था वो चक्र अभी नेस्त नाबूद होता जा रहा है, यानी वो इतना बिगड़ता जा रहा है जिसके कारण हम सांस लेने में दिक्कत महसूस कर रहे हैं और इसके कारण कई बीमारियां हमारे इर्द गिर्द घूम रही है। इसीलिए लेखिका यहाँ पर कह रही है कि पर्यावरण संकट उत्पन्न कर रहा है, यानी यहाँ पर जो संतुलन होना चाहिए, जो प्रकृति में या वातावरण में जो संकट संतुलन होना चाहिए, उस संकट को हमने ही अपने हाथों से ओढ़ लिया है, उसको आगमन किया है, उसको आमंत्रण हमने ही दिया है। इसीलिए लेखिका यहाँ कह रही है कि अगर हम जनसंख्या की वृद्धि को, यानी बढ़ती हुई जनसंख्या को नहीं रोकेंगे, वनों की कटाई को नहीं रोकेंगे, उद्योग धंधों यानी फैक्ट्रीज को अगर हम सीमित नहीं करेंगे, तो हमारा जो कूड़ा है वो बढ़ता चला जाएगा और वस्तुओं का आडंबर बढ़ता चला जाएगा और वातावरण में प्रदूषण प्रमुख कारण बनता जाएगा और इसके कारण हमें सांस लेने में जो आज हम कोरोना जैसे बीमारी से ग्रस्त हो रहे हैं, वो यह एक प्रकार का मनुष्य की खोजों के का कारण ही है। और इस विज्ञान से हम जितना अच्छा सीखना चाहिए उससे हम अपने आप को संकट में डालते जा रहे हैं। मनुष्य अगर आज भी आंखें अपनी नहीं खोलेगा तो आने वाला समय और भी खतरनाक हो सकता है। तो धन्यवाद बच्चों, आगे का पाठ हम अगली वीडियो में देखेंगे।